नहीं स्क्वाडा स्लाविया का डेब्यू हो गया है और इसके लुक्स बहुत ही बढ़िया हैं एंड एक और बड़ी बात है कि जब बाकी सारे कार मेकर जैसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्कॉडा अपनी सीडांस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के राइवल्स की ये गाड़ी राइवल करती है होंडा सिटी ह्यूंडाई वर्ना एंड मारुति सुजू की सियास से कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको किसके लुक सबसे बढ़िया लगते हैं मुझे तो शिकॉडा स्लाविया के लुक सबसे बढ़िया लगते हैं तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन के बारे में इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिनमें से एक है वन लीटर थ्री सिलेंडर टी एस आई इंजन जो कि हंड्रेड फोर्टीन हॉर्स पावर और वन सेवेंटी एट न्यूटन मीटर्स का टॉक निकालता है इस इंजन में आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनमें से एक है सिक्स स्पीड मैनुअल और दूसरा है सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक बात करते हैं इसके दूसरे इंजन के बारे में जो कि एक वन पॉइंट फाइव लीटर फोर सिलेंडर टी एस आई इंजन जो कि निकालता है वन फोटी एट हॉर्स पावर और टू फिफ्टी एम एम का टॉक इस इंजन ऑप्शन में भी आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनमें से एक है सिक्स स्पीड मैनुअल और दूसरा है सेवन स्पीड डी और इस वाले इंजन में आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है जिसमें अगर इंजन पे कम लोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली दो सिलेंडर्स डीएक्टिवेट कर देता है जिससे गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत इंप्रूव होती है ये सेम इंजन ऑप्शन आपको स्कॉडा कुशाक में भी देखने को मिलते हैं और वो गाड़ी वन लीटर वाले इंजन के साथ ज़ीरो टू हंड्रेड किलोमीटर पर आवर सिर्फ एट पॉइंट सिक्स सेकेंड में कर सकती है एक एस यू वी होने के बावजूद और इस सेम इंजन के साथ स्कॉडोस लावियर जीरो टू हंड्रेड किलोमीटर पर आवर उससे भी कम में कर पाएगी क्योंकि सीडांस एस यू वी से ज़्यादा आर ओ होती हैं अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर्स की इस गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है इसकी लेंथ है फोर फाइव फोर वन एम एम इसकी विथ है वन सेवन फाइव टू एम एम इसकी हाइट है वन फोर एट सेवन एम एम और इसका व्हील बेस है टू सिक्स फाइव वन एम एम ये गाड़ी स्कॉडा कुशाक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है फ्रंट में इस गाड़ी में आपको स्लीक दिखने वाले हेडलाइट्स मिलते हैं जिसमें आपको एक डी एक एल प्रोजेक्टर हाई बीम लाइट जिसका नाम है स्कॉडा क्रिस्टल लाइट और एक वाइट बीम लाइट देखने को मिलती है नीचे इसमें आपको फॉग लांग भी देखने को मिल जाते हैं एंड इसकी जो ग्रिल है वो एकदम स्कॉडा कुशाक जैसी है इसके बोनेट पे आपको बहुत ही सारी क्रीजेस देखने को मिल जाती हैं जो कि गाड़ी को दिखने में बहुत बढ़िया बनाती है साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी में आपको स्कॉडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है और इसमें आपको सिक्सटीन इंचज़ के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से छोटे लगते हैं इसमें आपको दोनों ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर साइड पर रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में साइड में भी आपको बहुत सारी क्रीजेस देखने को मिलती हैं जो कि बहुत बढ़िया लगती हैं और इस गाड़ी में आपको स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन भी देखने को मिलता है इस गाड़ी की जो विंडो लाइन है उस पर हमें क्रोम देखने को मिलता है और इसके डोर हैंडल्स पे भी हमें पतली सी क्रोम की स्ट्रिप मिलती है इस गाड़ी के जो आर वी एम्स हैं उन्हीं पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं रेयर में इस गाड़ी में आपको बड़ी सी स्कॉडा की बाजिंग मिलती है और इसमें आपको सी शेप डल ई डी लाइट देखने को मिलती हैं और रेयर पार्किंग कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है बम्पर पे आपको क्रोम एक्सेंट भी देखने को मिलता है रूफ़ पे हमें एक सनरूफ भी देखने को मिलती है ये गाड़ी एम क्यू बी ए ज़ीरो इंडिया प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जो कि हमें स्कॉडा कोशाक में भी देखने को मिलता है और इसमें हमें अच्छी सेफ्टी भी देखने को मिलती है अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की इस गाड़ी में हमें डोर टू इंटीरियर्स देखने को मिल जाते हैं और इसका डैशबोर्ड एकदम सिमेट्रिकल है जिसमें बीच में आपको एक टेन इंचज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी देखने को मिल जाते है हैं इसमें आपको एक एट इंचज का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलता है और इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है इस गाड़ी में आपको एक टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो कि बहुत प्रीमियम लगता है आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है जो कि टच ऑपरेटेड है इस गाड़ी में आपको डैशबोर्ड पे एक ब्राउन्स कलर की स्ट्रिप मिलती है और इस गाड़ी में आपको एम्बियन लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है रेयर में इस गाड़ी में आपको बहुत बढ़िया स्पेस मिलती है तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं रेयर एसी वेंट्स मिलते हैं रेयर आर्म्रेस्ट विद कप होल्डर्स भी देखने को मिलता है और आपको दो यू एस बी सी चार्जिंग पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में आपको बहुत ही सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिनमें से कुछ है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रेन एंड लाइट सेंसर हिल होल्ड कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल और सिक्स एयर बैग्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको सारे वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है तो अब बात करते हैं वर्डिक की इस गाड़ी में आपको सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन मिलता है बढ़िया लुक्स मिलते हैं और फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि इसे बहुत अच्छा ऑप्शन बना देते हैं अभी इसकी प्राइसिंग नहीं अनवील हुई है पर प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब